आज से 20 years पहले इंडियन थिएटर्स में एक फिल्म आई थी, यू वुड थिंक दैट्स वेरी ऑर्डिनरी, राइट? आती रहती है, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? बट ये फिल्म स्पेशल थी. अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं, जिस डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखी तब उसको हर तरफ से रिजेक्शन आया, सबने माइंडर कॉम्प्लीमेंट्स दिया. कभी कभी कहा हमें स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगती है, बट इट इज डूइंग एवरीथिंग दैट इज नॉट बीन डन इन बॉलीवुड. आप एज अ डायरेक्टर आज से पहले 2 films बना चुके हैं, बोथ हैव बीन फ्लॉप्स. जिस एक्टर के साथ आपने बनाई, बड़े एक्टर के साथ सेकंड फिल्म बनाई, स्टिल इट वॉज अ फ्लॉप. वी आर जस्ट नॉट पुटिंग आर मनी ऑन दिस. जब एक्टर के पास वो गए जिसके साथ वो अपनी सेकंड फिल्म बनाई थी, इट वॉज अ फ्लॉप, उसको बोला ये फिल्म बनाते हैं, तो एक्टर आउटराइटली रिजेक्टेड इट. स्टोरी सुनकर ही मना कर दिया यार. जब पूरी स्क्रिप्ट आई देन ही लाइक्ड इट, बट ही सेड आई एम अफ्रेड. आई थिंक दिस इज जस्ट टू नॉन कन्वेंशनल एन आइडिया. ये बहुत कुछ चैलेंज कर रहा है यार बॉलीवुड में, वी विल नॉट बी एबल टू डू इट. उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद भी पूरे साल अलग अलग लोगों के टच में गए वो डायरेक्टर, उन्होंने सबको स्क्रिप्ट पिच करी, नो वन वॉज रेडी टू गेट एसोसिएटेड. फाइनली वो एक्टर बोला आई एक्चुअली बिलीव इन द स्क्रिप्ट, आई थिंक वी शुड डू दिस, मैं आपके साथ हूँ, आई विल पुट माई नेक ऑन द लाइन, मैं इसे प्रोड्यूस भी करूंगा, लेट्स सी वेयर इट गोज. जो मूवी एक टाइम पे इतनी अंडरडॉग स्टोरी लग रही थी बनने के लिए, फॉरगेट इट्स मटीरियल विच इज रिफ्लेक्टिंग द सेम, वो उस एक पॉइंट के बाद जाके ऑस्कर्स में रिप्रेजेंट करी इंडिया को, और आज तक 3 ही फिल्म्स करी है. दिस इज बीन वन ऑफ देम. 20 years से पिछले कोई फिल्म उसके बाद उसको रेप्लीकेट भी नहीं कर पाई. सो लेट्स जस्ट थिंक अबाउट कि कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला उस स्टोरी ने. उस टाइम के नंबर्स पे नहीं, उस टाइम ऑस्कर के और लाइक क्रिटिकल रिकग्निशन ही नहीं, बट आज भी लोग वो मूवी याद रखते हैं एज वन ऑफ द माइलस्टोन्स ऑफ इंडियन सिनेमा. हम बात कर रहे हैं लगान की, विच वॉज अ फैंटास्टिक आइडिया, बट अ ग्रेट आइडिया इज नथिंग विदाउट अ गुड एग्जीक्यूशन. तो आइए आज ब्रेक डाउन करते हैं कैसे उस आइडिया को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करा आमिर खान और आशुतोष गवारीकर और उनकी टीम ने, एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट. हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक अच्छा आइडिया विदाउट बैकिंग इट, विदाउट एग्जीक्यूशन इज एज बैड एज एन एवरेज आइडिया, बिकॉज उसके बाद उसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता. थिंक अबाउट अ गुड मूवी. अगर आप एग्जांपल लोगे इंटरस्टेलर से लेके इंसेप्शन तक, अगर आप नोलन की मूवीज की बात करोगे, अ गुड आइडिया इज नथिंग जब तक उसके ऊपर आप बिल्ड ना करो, उसको एग्जीक्यूट ना करो. यही हुआ है लगान में. आइए 3 चीजों की बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. द फर्स्ट थिंग वॉज टेकिंग द प्लंज. जैसे मैंने आपको वीडियो के इंटरव्यू में बताया, इट वॉज समथिंग जो सारी कन्वेंशन तोड़ रही थी बॉलीवुड के. नो फॉरेन लोकेशंस, नो एक्सपेंसिव सॉन्ग्स, एक गांव की स्टोरी है, अंडरडॉग स्टोरी है, इंग्लिश के अगेंस्ट क्रिकेट खेलने वाले. व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट लुक्स वेरी सिंपल कि क्रिकेट के ऊपर इंडिया में मूवी कैसे नहीं बनी. सच अ ह्यूज फॉलोइंग, राइट? हमारे यहाँ पे एक ही स्पोर्ट चलता है. व्हेन यू थिंक अबाउट इट, 90% से ज्यादा व्यूअरशिप सारे स्पोर्ट्स का जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग में आता है इज गोइंग टू क्रिकेट. तो उसके ऊपर मूवी कैसे नहीं बनेगी, विच वॉज समथिंग सो ऑब्वियस, बट हुआ नहीं था. लगान के बाद से बहुत मूवीज बनी, लगान से पहले देयर वाज नेवर अ मेनस्ट्रीम क्रिकेट फिल्म. तो अपने आप में वो एक चैलेंजिंग बात लगती है, बट उसके बाद अगर आप बाकी चीज़ों को ऐड अप करो, गांव में सेट है, हिंदी के अलावा थोड़े से और डायलेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 4 आवर्स की मूवी है जिसमें लास्ट 35-40 मिनट्स इज कम्प्लीटली क्रिकेट, समझ लो क्रिकेट के एग्जैक्टली टेक्निकल रूल्स में है. व्हेन यू थिंक ऑफ मूवीज लाइक मनी बॉल जो एग्जैक्टली ड्रामा पे चलती है और उसमें दिखाया भी नहीं एक भी बेसबॉल का सीन, एंड यू थिंक लगान विच इज द पोलर ऑपोजिट, जहां आपको लिटरली टेक्निकल स्किल्स पे लेके क्रिकेट के कि क्या चल रहा है, क्या स्कोर है, क्या करना है, एक इतनी टेक्निकल अंडरडॉग स्टोरी गांव में सेट करना, सारी कन्वेंशन आउटडू करना, आपका हीरो कहीं डांस नहीं कर रहा, देर आर नो ह्यूज फॉरेन लोकेशंस पे, एज आई सेड एक्सपेंसिव नंबर्स, बट गोइंग विद द स्टोरी. तो ये अपने आप में इतना बड़ा प्लंज था कि जैसे मैंने आपको बताया, आमिर खान ऑल्सो सेड कि मुझे डर लग रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस इवन दो आई लाइक द स्टोरी अलॉट. इट ऑलमोस्ट टुक हिम ईयर टू से फाइनली से येस टू आशुतोष गवारीकर, बट आशुतोष गवारीकर बिलीव इन द स्टोरी. सेड जो सब चीजें आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, दैट इज वॉट इज मेकिंग दिस स्पेशल, एंड दैट इज वॉट इज गोन टू मेक इट स्पेशल, बिकॉज सिर्फ 50 years के अराउंड हुए थे इंडिया की इंडिपेंडेंस इंग्लिश के. आज टॉप 75 years को हम पहुंच रहे हैं. उस टाइम पे वो एक जो बात थी, लाइक यू नो वी हैव टू आंसर बैक, वो जो एक इनसिक्योरिटी का आप बोल सकते हैं कि यू नो वी हैव टू आंसर बैक वाली जो चीज थी, दैट वॉज स्टिल देयर इन लॉट ऑफ पीपल, और वो एक्सप्लॉइट कर रही थी ये चीज वेरी पॉजिटिवली अपनी स्टोरी से, एंड इट डिड इट वेरी वेल. सो टेकिंग द प्लंज इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. अगर आपको आइडिया में बिलीफ आपको दिखता है, अच्छा, डरने की जरूरत नहीं, आसपास लोग क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी क्या सोचेगी, कन्वेंशन चैलेंज हो रहे हैं, जस्ट टेक द प्लंज, दैट्स द फर्स्ट थिंग. आइए बात करते हैं सेकंड चीज. द सेकंड थिंग इज अ नो कॉम्प्रोमाइज अप्रोच. अगर एक बार आप घुस गए अपने विजन के साथ, जस्ट रिमेंबर आपने अपने विजन को जस्टिफाई करना, उसको अडाप्ट नहीं करना, उसको फ्लेक्सीबल नहीं करना बियॉन्ड अ डिग्री जो आपने किया है उसके. यू नो छोटे मोटे 1-2% चेंजेस आएंगे, बट अगर आप ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यू विल लूज इट सोल्स, एंड में आप जाके रिग्रेट करोगे कि मेरा आइडिया क्या था, मैंने उसको क्या कर दिया एग्जीक्यूशन में. तो यही पे आमिर खान रोज रात को बताते हैं आशुतोष गवारीकर, जब शूट रैप अप होता था ना, वो रात को उनको बस एक चीज बोलते थे, जस्ट मेक द फिल्म यू वांट टू मेक. उनको एक रिमाइंडर देते थे कि अपने आइडिया को याद रखना, जो तुम्हारे पास स्क्रिप्ट है उसको याद रखना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और मेलिएबल होना ठीक है इन एग्जीक्यूशन, बट जस्ट रिमेंबर उसका सोल क्या है, क्या चीज है वो
उससे डिविएट ज्यादा मत करना, अदरवाइज यू विल रियन इट ऑल। तो ये चीजें आप देखोगे बहुत पूरी मेकिंग में जाती है उसकी, उसकी जो डॉक्यूमेंट्री है, चले चलो मैं लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा, वेन यू वॉच इट वो मूवी से ज्यादा एंटरटेनिंग है वेन यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज वो बहुत चीजें बताती है अबाउट हाउ टू मैनेज अ प्रोजेक्ट, हाउ टू लीड अ टीम, आज जो हम बात कर रहे हैं हाउ टू जस्टिफाई योर आइडिया। आप देखिए जब उन्होंने एक्टर सेलेक्ट किए ना, दे वर ऑलवेज गोइंग फॉर पीपल एक्टर्स हु कुड प्ले क्रिकेट, क्रिकेट सेकेंडरी स्किल था, उन्होंने क्रिकेट को प्राइमरी स्किल नहीं बनाया स्पेशली इंडियन एक्टर्स में, अदरवाइज एक्टिंग पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता, इट इज अ फिल्म एट द एंड ऑफ द डे। तो क्रिकेट आना चाहिए बट क्रिकेटर नहीं लेंगे जिसे एक्टिंग आती है, दिस इफेक्टेड द मूवी का मेकिंग अलॉट इन टर्म्स, उनको मेहनत डबल करनी पड़ी, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्रिकेट के शॉट्स अभी भी उनको जो चाहिए थे वही लिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बट मेहनत डबल लग गई, बिकॉज लोगों को बॉडी ब्लोज आ रहे थे, उनके हिट्स नहीं लग रहे थे, उनके बॉलिंग एक्शन नहीं आ रहे थे, बिकॉज सारे वियर्ड क्वर्क्स थे एक्टर्स के, आमिर खान को बहुत बॉडी ब्लोज देने पड़ रहे थे कान के ऊपर अगर एक्सेट्रा, बिकॉज आपको एक्जैक्टली ऑथेंटिक चीज चाहिए। इंग्लिश एक्टर्स इतने अच्छे थे कि एक बंदे का शोल्डर डिसलोकेट हो गया बट वो शॉट कंप्लीट किया वॉकआउट करने की, बिकॉज उसको आउट होना था एंड ही न्यू उसको दोबारा वो टेक नहीं मिलेगा। तो लोगों ने इतना फिजिकल जो सैक्रिफाइसेस करे वो वहीं से आता है जब आपको भी बिलीव होता है एक्टर पे डायरेक्टर पे कि इन लोगों का विजन स्ट्रांग है और ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तो आपके अंदर वही स्पिरिट आती है टीम में कि मुझे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना टीम पे, वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ सिंगुलर गोल एंड आई विल प्ले माय पार्ट। तो ये पूरा कल्चर में आ जाना उस यूनिट के, आप सोचिए जब उन्होंने इतने महीनों तक शूट करा इतने टफ कंडीशंस में कच्छ में जाके फुल 47-48 डिग्रीज में, ये इंस्टिल करना बिलीफ सब में कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट में बिकॉज यही हमें आगे लेके जाएगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इंग्लिश एक्टर्स को वहाँ हिंदी में बोलना था, इट वॉज नॉट द वर्ल्ड दैट वी हैव टुडे कि सब टाइटल्स आएंगे नीचे, वहाँ पे हिंदी में बुलवाया जाता था सबको अंडरस्टैंड कराने के लिए ऑडियंस में, बिकॉज इंडियन ऑडियंस के लिए मूवी बनी है, सो द इंग्लिश एक्टर्स हैड टू वर्क ऑन देयर हिंदी, दे हैड टू गेट देयर डिक्शन कोच, ये सब चीज़ करना है। दीज गाइज एवरी वन ऑफ देम न्यू कि ये है विजन फिल्म का, देवर अलाइंड विद इट एंड वंस देवर देयर दे न्यू कि कोई कॉम्प्रोमाइजेज नहीं होगा विजन में, सो दैट समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम। आइए बात करते हैं थर्ड चीज, द थर्ड थिंग इज नो लुकिंग बैक। एज आई सेड, एक बार आपने प्लंज ले लिया, आपने देख लिया हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अप्रोच में, अब आप वापस जाके नहीं देख सकते कि कुछ कट कर देते हैं कॉर्नर्स, ठीक है इसको स्टॉल कर देते हैं बाद में आके करेंगे, एंड आई गिव यू व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड एग्जांपल्स के साथ। मूवी का बजट जब वो गए बनाने 12 करोड़ था, आमिर खान एज वी सेड वाज प्रोड्यूसिंग इट, बट जब वो शूट करना शुरू करे डीलेज आए, अनएक्सपेक्टेड चीजें आई, उनको 10,000 लोगों के साथ शॉट करना था एंड एज आई सेड उनको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो हर विलेज से 10,000 लोग लेके आए, उनके साथ शूट करना, उनको फुल डे खाना खिलाना, क्राउड से रिएक्शंस लेना, ऑल दैट इज मैसिव राइट। एग्जीक्यूशन में ये सारी चीजें टूटती हुई दिखती हैं, जस्ट सिटिंग एट अ प्लेस एंड थिंकिंग ऑफ स्टफ इज ईजी, जब आप उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे दैट्स ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द बैटल। तो इस सब के बीच में इट इज वेरी इजी टू कट कॉर्नर्स कि हम शूट को ब्रेक कर देते हैं, देवर आइडियाज की अभी शेड्यूल रोक के आगे कर देते हैं, बट दीज गाइस स्टक अराउंड, उनका एक ही शेड्यूल में करेंगे, जैसे करना है करेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। आशुतोष गवारिकर द डायरेक्टर द कैप्टन ऑफ द शिप, उसको स्लिप डिस्क हो गया, लाइक ही कांट सिट, ही कांट स्टैंड, उसको कंप्लीटली बेड रिडन रहना है। इट टुक द बेड टू सेट्स एंड उन्होंने कहा हम इसको शूट करेंगे जो हमें करना है, मेरे बिना शूट हो नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता, सो व्हाट, वी फाइंड अ मिडिल वे। इतना करीजियस होना, इतना बोल्ड होना, बिकॉज सबको पता था व्हाट इज एट स्टेक, व्हाट्स ऑन द लाइन, और इतनी बड़ी चीज के पीछे ये जा रहे थे, इनको पता था कि दैट नो वन कैन कट कॉर्नर्स एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी कैन नॉट लुक बैक, इसके पीछे देर इज नो लुकिंग बैक, लेट्स इट कीप गोइंग फॉरवर्ड। तो बजट 12 करोड़ से जो स्टार्ट हुआ डीलेज के बाद, इस सब के बाद मोर देन 20 करोड़ चला गया, बट देवर जस्ट ऑल इन एट दिस पॉइंट। जब आप खेलते हैं पोकर, जब आप कुछ भी करते हैं, यू नो यू पुट ऑल योर चिप्स इन, दैट्स कंसिडर्ड ऑल इन, दैट्स वॉट देवर विद दिस मूवी। सो दैट्स द अप्रोच यू हैव टू टेक, अगर आपको आइडिया पे अपने बिलीफ है उसके बाद आपको ये तीन चीजें करनी ही पड़ेंगी, तभी आप उसको जस्टिफाई पूरा कर चाहेंगे। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है इसके बावजूद। When you think about it, आमिर खान ये सिर्फ अकेले टाइम है जब उन्होंने ऐसे रिस्क लिया, उन्होंने आगे भी लिए हैं। थग्स ऑफ हिंदुस्तान वॉज अ सिमिलर स्केल ऑफ अ मूवी, बट स्क्रिप्ट वीक थी, उनका जजमेंट में मे बी लैप्स हो सकता है, ऑडियंस डिड नॉट यू नो कनेक्ट विद इट, बाद में अपोलोजाइज भी किए, बट द पॉइंट वॉज ही केप्ट टेकिंग रिस्क, और उनको पता था आइडिया जस्टिफाई करना है, देन यू गो होल हार्टेडली इन। तो ये हमें भी याद रखना चाहिए, अगर हम कोई आइडिया अपनी लाइफ में करने वाले हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हो फुल चीज के साथ जाओ, इवन इफ यू फेल यू विल लर्न सो मच, अगली बार आइडिया एग्जीक्यूट करो यू विल सक्सीड। तो इसी सब के साथ ले लेते हैं आज की लर्निंग ऑफ द डे। आज की लर्निंग ऑफ द डे है, टू मी आइडियाज आर वर्थ नथिंग अनलेस एग्जीक्यूटेड, दे आर जस्ट अ मल्टीप्लायर, एग्जीक्यूशन इज वर्थ मिलियंस। स्टीव जॉब्स ने बिल्कुल परफेक्ट बात कही है जो हम कह रहे हैं। यू विल सी एवरी other person will have some idea to do something, but unless they execute, unless they back it up, unless they follow it like the Lagan team did, there will be no results. इसी के साथ हम आपको छोड़ के जाएंगे आमिर खान के आइडिएशन के पीछे, कैसे वो फाइनली येस करें, उनका येस कहना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ही पुट द मनी, ही पुट हिज नेम, और ये मूवी आज तक बन पाई। इससे पहले हम आपको बोलेंगे, अगर आपको पसंद है हमारा कंटेंट, आपको अच्छा लगता है वीडियो, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, आपके होम टैब पे वीडियोस आते रहेंगे, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए याद रखिएगा, माइंड का पोषण जरूरी है, इसलिए माइंड पोषण जरूरी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। फाइनली व्हेन इट केम अराउंड एंड नो वन इज डूइंग इट एंड आई यू नो आफ्टर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ
वो हर 3 महीने में मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, इतनी अच्छी कहानी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने सोचा कि यार जब हम वो फिल्में देखते हैं जिसमें हमको लगता है कि यार क्या फिल्म बनाई है, बिमल दा ने क्या फिल्म बनाई है, गुरुदत्त जी ने प्यासा क्या फिल्म बनाई है, ही रांझा जो पूरी फिल्म बनी है विच इज इन वर्स, तो चेतन साहब ने एंड कैफी साहब आई थिंक रोट द फिल्म, व्हाट मस्ट दे बी गोइंग थ्रू एट दैट टाइम बिफोर स्टार्टिंग द फिल्म, यार इसमें अभी पैसे लगने हैं, ये फिल्म कौन देखेगा पूरी प्रोज में, तो हिम्मत चाहिए टू टेक दैट रिस्क टू मेक समथिंग। तो आई एक्चुअली व्हाई हाउ आई बीन लगन एंड टेक अप, मैंने सोचा कि यार ये जो जितने लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ कि यार क्या शख्स थे और कितने ब्रेवली ये फिल्म बनाते थे, मैं उनकी बात हमेशा करते रहता हूँ, व्हेन विल आई स्टार्ट बीइंग लाइक देम,